बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। हम उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे, तो उसकी एक एग्जांपल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट की निस्बत किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लेस हो जाता है, इस बात को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज उसकी जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट मेथड्स हैं उसे हमने यहाँ मेंशन करना है। एक पॉइंट अगर आप बात को समझ सकें कि सॉल्वेंट की निस्बत सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता है। देखें, वेपर प्रेशर का ताल्लुक इवेपोरेशन से है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। एक कंटेनर में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा एक बात को इमेजिनेशन में लाएं, उस सॉल्वेंट की जो सरफेस है फर्ज करें उस पर 10 मॉलिक्यूल प्योरली सॉल्वेंट के मौजूद हैं। एक वक्त में 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब उसी सॉल्वेंट में आप थोड़ी सी मिकदार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर देते हैं तो उसका ये सॉल्यूशन बन गया। अब उसी सॉल्वेंट में उसी की सरफेस पर देखें कुछ तो आ जाएंगे ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी सरफेस पर मौजूद होंगे। अगर 10 में से फर्ज करें कि 3 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के और 7 हैं सॉल्वेंट के, अब सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसने तो वेपर्स में नहीं बदलना। सिर्फ क्या चीज वेपर्स में चेंज होगी, सॉल्वेंट, और उसकी तादाद कितनी होगी, जस्ट 7। तो सॉल्वेंट में 10 मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के सिर्फ 7 मॉलिक्यूल वेपर्स में बदलेंगे और अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सो वी से दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसकी जो मेजरिंग मेथड है, दो मेथड यहाँ बस हम टिपिकली मेजर कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मेथड नोट करना चाहें तो अदर बुक्स से इसे आप जो स्टडी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीट्रिक है, यू ट्यूब कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ लो वोलेटिलिटी एंड लो डेंसिटी से एन ब्यूटाइल थैलेट और बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन इज कॉमनली यूज्ड। वन आर्म ऑफ द यू ट्यूब इज अटैच टू ए बल्ब कंटेनिंग सोल्यूशन एंड द अदर टू द प्योर सॉल्वेंट। द टैप T1 एंड T2 आर ओपन्ड एंड द एयर इन साइड द अपरेटस रिमूव्ड बाई कनेक्टिंग इट टू द वैक्यूम पम्प। द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द लिक्विड इन द टू लिम्ब्स ऑफ द मैनोमीटर इज रीड विद द हेल्प ऑफ अ मूविंग टेलीस्कोप। दिस गिव द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। ये जो डायग्राम दी हुई है देखें, इसमें ये दो बल्ब्स हैं, एक में प्योर सॉल्वेंट डाल दे और एक में सॉल्यूशन डाला हुआ। अच्छा, इस साइड पर ये क्या, ये मैनोमीटर है यू शेप्ड। यहाँ इसके एक स्केल बहुत ऐसे उसकी नंबरिंग की गई होती है और एक टेलीस्कोप भी है यहाँ पर। वैक्यूम पंप से सारा जो दबाव इसके इससे रिमूव कर लेते हैं एयर वगैरह यहाँ से। अच्छा, अब देखें ये सॉल्वेंट भी अपने वेपर्स पैदा करेगा और ये सॉल्यूशन भी अपने वेपर्स पैदा करेगा। अब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो ज्यादा वेपर्स पैदा करेगा तो उसका देखें दबाव ज्यादा होगा, जो कम पैदा करेगा उसका दबाव कम होगा। तो इसलिए ये लेवल पहले तो ये देखें, यहाँ मर्करी लेवल बराबर होता है,
लेकिन इसके दबाव सॉल्वेंट ज्यादा की वजह से ये नीचे आ गया, ये ऊपर हो। यहाँ पर जो इसका लेवल है, इससे हम डेल्टा एच को मेजर कर लेते हैं, डिफरेंस को। तो इससे हम जो उसका वेपर प्रेशर चेंज है उसे मेजर कर लेते हैं, इसे हम डिफरेंशियल मैनोमीट्रिक मेथड कह देते हैं। दूसरा डायनेमिक मेथड है, ये आपके सामने अपरेटस दिया हुआ है, ऑक्सफर्ड एंड वॉकर्स अपरेटस हम कह देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले तीन हैं फ्लास्क, इसमें आपको ए में सॉल्यूशन नजर आ रहा है, फिर बी इन तीन के अंदर आपको प्योर सॉल्वेंट नजर आ रहा है। देखिए मेथड क्या है, डायनेमिक मेथड हैव बीन मोर एक्सटेंसिवली यूज एंड आर इजियर टू हैंडल। इन दिस मेथड द स्टीम ऑफ ड्राई एयर इज फर्स्ट पास थ्रू ए सीरीज ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग द सॉल्यूशन एंड देन थ्रू द प्योर सॉल्वेंट। एज इट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन इट बिकम्स सैचुरेटेड अप टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। द एक्चुअल लॉस ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द बल्ब इज ऑब्टेन्ड बाय वेइंग देम बिफोर एंड आफ्टर द एयर हैज बीन पास थ्रू देम। दिस लॉस इन द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पी। तो यानी इसमें से क्या करेंगे, अब ड्राई एयर को इसमें से अब पास करते जाएंगे हर एक में से। अच्छा अब इसे देखें कि द एयर ऑलरेडी सेचुरेटेड वेपर द सॉल्वेंट अप टू प्रेशर पी इज नेक्स्ट पास थ्रू अनदर सीरीज ऑफ बल्ब प्रीवियसली वेट एंड कंटेनिंग द प्योर सॉल्वेंट। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन पी, एयर विल फर्दर टेक अप सम मोर वेपर्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट अंटिल इट इज फर्दर सेचुरेटेड अप टू द प्रेशर पी नॉट। द बल्ब आर वेट अगेन टू ऑब्टेन द लॉस इन मास डब्ल्यू टू विच इज रिक्वायर्ड टू सेचुरेट एयर फ्रॉम प्रेशर पी टू पी नॉट। देयर फोर डेल डब्ल्यू टू इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। फाइनली द एयर इज पास थ्रू द सेट ऑफ वेट यू ट्यूब कंटेनिंग एन एब्जॉर्बेंट फॉर द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट एंड एट दिस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज द वाटरी सॉल्वेंट। द इंक्रीज इन द मास ऑफ द यू ट्यूब इज डिटरमिंड इट गिव द टोटल लॉस W12। दिस लॉस इन द मास इज मेजर ऑफ वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट एयर ऑन टू प्रेशर पी नॉट। देयर फोर ये इक्वेशन आप लगा के उनकी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। डायग्राम साथ आप इसके देंगे, ये इसी से रिलेटेड फिर आगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल को आपने साथ साथ सॉल्व करना है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन मेथड हमने किया था, वैल्यू सारे इसके ये देखें दी हुई हैं, तो जस्ट आपने इसे सॉल्व करना है। तीन एक न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में शामिल हैं, तो ये भी उसी तरह से कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर पी को आपने मालूम करना है। तीसरा जो न्यूमेरिकल है कि ये देखिए एयर वाज पास थ्रू सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास को आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये बार आज का लेक्चर हुआ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।